विश्व में जो सर्वाधिक चर्चा होती है वो धर्म और धर्म शब्द को लेकर के जितने भी मान्यताएं हैं उनकी होती है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, वो जिसको भारत में धर्म कहते हैं, वो और भी नाम है जिनसे आस्थाओं का ज्ञान होता है। वे नाम हैं संप्रदाय, मजहब, सेक्ट, और भी अनेक भाषाओं में पृथक पृथक नाम है जिनका कहीं न कहीं से संबंध धर्म से जोड़ दिया जाता है। धर्म से संबंध जुड़ते ही जो संप्रदाय हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाज में, पृथक पृथक समूहों में, वे भी यह दावा करते हैं कि मेरा संप्रदाय धर्म है, मेरा मजहब धर्म है। यहां चर्चा में यह स्पष्ट करना चाहेंगे, क्या धर्म और संप्रदाय एक है? जिसको संप्रदाय के कई नाम होते हैं, बार बार कहता हूं, मजहब भी नाम है, सेक्ट भी नाम है, पंथ नाम है, तो ये सारे क्या धर्म को इंगित करते हैं? क्या ये और धर्म एक ही है? क्योंकि विश्व में विभिन्न समाजों में व्यक्ति चाहे समूह जो आपस में मतभेद रखते हैं तो वो धर्म के नाम पर कहते हैं। कहेगा कि मेरा सनातन धर्म है, मेरा हिंदू धर्म है, वो कहेगा मेरा इस्लाम धर्म है, वो कहेगा मेरा ईसाई धर्म है, मेरा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, आदि आदि अनेक। अब आप चिंतन करें, मनन करें, भारत का जो पाली भाषा का शब्द है धम्म, धम्म जब संस्कृत में संस्कारित होता है तो उस धम्म को धर्म लिखा गया, और अनेक श्लोक भारतीय ग्रंथों में पाली भाषा में भी, प्राकृत में भी, संस्कृत में भी धर्म को परिभाषित करते हुए हैं। अनेक श्लोक हैं जिनमें धर्म की परिभाषा भी दी गई, जैसे मैं एक उल्लेख करता हूं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानतम ब्रूयात एष धर्म सनातना। यहां धर्म शब्द का प्रयोग हुआ कि यह धर्म ही सनातन धर्म, कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, यह पूरा श्लोक का व्यापक अर्थ है। इसी को पाली में लिखा गया था, एस धम्मो सनातनो। आप देखेंगे कि पाली और संस्कृत की जो शब्दावली है, जो उसका उच्चारण है, बहुत मिलता है। तो धर्म जो इंगित करता है और जो पश्चिम का रिलीजन नहीं इंगित कर पाता है, वो इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि रिलीजन और जितने संप्रदाय मजहब पंथ हैं वो लगभग एक मिलते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति की जो आस्था होती है, व्यक्ति की जो देवी देवताओं और गॉड और ईश्वर अल्लाह को इंगित करते हुए जो आस्था होती है, विश्वास होता है, वो रिलीजन है, और यही संप्रदाय भी है। लेकिन लड़ाइयां सबको धर्म के नाम पर कह करके बहुत ही उकसाया भी जाता है, सचेत भी किया जाता है, और बार बार उसके मन में ये रखा जाता है कि वो धर्म हमारे पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। मैं
या आपका नया वर्ष आने वाला है, इस समय बहुत आवश्यक है कि नव वर्ष में जब आप प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपना भविष्य अच्छा करेंगे, हम अपने परिवार का संस्कार अच्छा करेंगे, तो आप अच्छी तरह समझें कि धर्म है क्या। एक जगह और है कि धारते इति धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। अब धर्म है ये तो कहा गया, लेकिन धारते इति संप्रदाय नहीं है, धारते इति पंथा नहीं है, धारते इति मजहब नहीं है, क्योंकि जो धारण करता है वो प्रकृति का मूल गुण होता है। मनुष्य धर्म हो सकता है, पशु धर्म भी है, पक्षी धर्म है, यहां तक जो जीवित हैं उनके धर्म है, और जो जीवित नहीं है, प्रकृति में दोनों तरह के पदार्थ हैं, जीवित भी और नॉन लिविंग, लिविंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मैं उदाहरण दूं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तत्व, तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, सोडियम, 100 से अधिक तत्व मिलते हैं पूरी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में। इन तत्वों के भी गुण धर्म होते हैं, सोडियम का अलग है, पोटेशियम का अलग है, हीलियम का अलग है। तो ये जो उसकी प्रकृति होती है ये उसका धर्म है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है ये उसका धर्म है। और धर्म जैसे आग का कहा जाए कि आग का धर्म है, आग का धर्म क्या है, उसका जलाना धर्म है, उसकी गर्मी उसका धर्म। आग तो अपने उस धर्म के अनुसार काम करेगी, कोई संप्रदाय वश, किसी का संप्रदाय, अब यहां धर्म से पृथक मैं बता रहा हूं, किसी का पंथ, किसी का संप्रदाय, किसी की आस्था, अगर वो अग्नि पूजा करती है, अग्नि को पूज्य मानता है, अग्नि पूजा करता है, और कहे कि चूंकि मैं अग्नि पर आस्था रखता हूं, अग्नि की पूजा करता हूं, तो हाथ रख दे अग्नि में, पैर रख दे, शरीर रख दे, और वो कहे कि आस्था का सवाल है, अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, तो ये नहीं होगा। अग्नि अपना धर्म निभाएगी। आप उस धर्म को गलत समझ रहे हैं, उसको संप्रदाय और पंथ में लेते हैं। तो धर्म तो मनुष्य पूरी जाति का एक है, क्योंकि एक वैज्ञानिक भी भेद होता है कि जो भी अंतर आता है वो आपका खून बता देता है। सारे मनुष्यों का एक खून होता है, पशुओं में खून अलग होता है, पक्षियों में कुछ खून पृथक होता है, ऐसे ही अन्य जो शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी बनावट आप देखेंगे कि पृथक पृथक जातियों में, जो पुरुष जाति है, मनुष्य जिसको मनुष्य जाति कहें, वनस्पतियां हैं और जीवधारी हैं, वो इस आधार पर पृथक पृथक हो जाते हैं कि उनके जो प्राकृतिक धर्म है वो पृथक हैं। लेकिन जो मनुष्यकृत धर्म है, जिनको मैं कहता हूं कि वे सब संप्रदाय हैं, वे धर्म नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी धर्म सृजित नहीं कर सकता है, मनुष्य तो संप्रदाय बना सकता है। तो जितने दुनिया में धर्म कहे जाने वाले शब्द कहिए, जितने भी संप्रदाय हैं वो मजहब है, और वो सब किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी पैगंबर मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी न किसी ऋषि मुनि द्वारा बनाए गए हैं। कई परंपरा होती हैं कि जैसे बौद्ध धर्म तो बुद्ध से आरंभ होता है, लेकिन उसके पहले और ज्ञात होता है कि 28 बुद्ध हुए, तो एक परंपरा बुद्धों की हुई। ऐसे जैन समाज में तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, तो जैनियों में भी परंपरा हुई। सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म नाम देते हैं, यहां भी ऋषि मुनि, इनकी लंबी परंपरा है। समय समय पर इन विद्वानों ने
अपने अपने दृष्टि से इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, दर्शन को समझने की कोशिश की, पूरे मनुष्य की जो अच्छाइयां बुराइयां हैं, रीतियां हैं, उनको समझने की कोशिश की। और उसको बनाते समय उसने अपने अपने समाजों में अपने अपने तरीके से व्यवस्थाएं दी। उन्हीं व्यवस्थाओं को मानते हुए व्यक्ति कहीं मुसलमान अपने को बताता है, कहीं वो ईसाई बताता है, कहीं सिख बौद्ध जैन सभी बताते हैं, मगर वे धर्म कहीं जरूर जाती हैं। मूलतः धर्म तो केवल मनुष्य धर्म है, सारे मनुष्य एक ही धर्म से बाधित होते हैं, एक ही धर्म के होते हैं, उनका कोई पृथक धर्म नहीं है, पृथक मजहब है, पृथक संप्रदाय है, पृथक पंथ है, क्योंकि उनकी ही पुस्तकें होती हैं। वे जो पृथक पृथक पुस्तकें मिलती हैं, जो कहते हैं ना धार्मिक पुस्तकें, ये सब संप्रदाय की पुस्तकें हैं। और हर संप्रदाय में तमाम चीजें मानवता के पक्ष में होती हैं, तो वहां सारे संप्रदाय कहते हैं हम एक हैं, सारे पंथ मजहब कहते हैं हम एक हैं। और इसी एकता को वो बताने के लिए सब कहते हैं कि सारे धर्म एक हैं। तो सारे संप्रदाय एक हैं, सारे मजहब एक हैं, उनमें जो भी समान गुण होते हैं, जैसे सारे संप्रदायों में कहा जाएगा कि सदा सत्य बोलो, कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं मुसलमान कहेगा सत्य बोलो और हिंदू कहेगा नहीं सत्य नहीं बोलो, वो सब एक है। तो जितने सद्गुण हैं वे सबके एक हैं, जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, वे सबके एक हैं। तो बात बात पर मेरा चिंतन यही है, आपको संदेश भी यही है कि बात बात पर जो धर्म की नाम की लड़ाई लड़ते हैं ये गलत है, ये मनुष्यता का विरोधी है, ये उस परमात्मा का विरोधी है जिसको मैं ऊर्जा कहता हूं, जिसको मैं एनर्जी कहता हूं। कभी पुराने ऋषियों ने उसको ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, अल्लाह कहा, गॉड कहा, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों में उसका नाम कुछ भी हो, मगर वो अगर एक है तो एनर्जी एक है, और अगर एक है तो सबके लिए एक है। ये नहीं कि मुसलमान के लिए वो अलग है, हिंदू के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। तो इसका मतलब जब वो एक है तो उसके जो जितने भी ये सारे उत्पत्ति है प्रकृति की, वो सब एक है, पृथक हो ही नहीं सकते। तो धर्म के आधार पर कोई पृथकता हो ही नहीं सकती है, पृथकता केवल होती है मजहब के आधार पर, पृथकता होती है पंथ के आधार पर। तो जब हम इस तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं कि अब इस्लाम की लड़ाई होगी, अब ईसाई लड़ेगा, तो ये धर्म नहीं है, ये अपने अपने संप्रदाय हैं, अपने अपने पंथ और मजहब हैं, जिन पर अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देश, और एक ही देश में भी पृथक पृथक समूह लोगों के, वो इन संप्रदायों में बटे हुए हैं। पूरा विश्व बटा हुआ है, सारे समाज बटे हुए हैं। धर्म का उद्देश्य ही बांटना तो है ही नहीं, धर्म का उद्देश्य तो यही बताना है कि सब एक है। और अगर धर्म का उद्देश्य यही है कि सब एक है, तो फिर ये बंटवारा कैसा, फिर ये बांटने की प्रवृत्ति कैसी। तो इसलिए खास रूप से जो नई पीढ़ी है, बुद्धिजीवी हैं, वो काफी अच्छा समझने लगे, उनका चिंतन बहुत ही हद तक एकता का रहता है कि हम सारे जो मनुष्य हैं वो एक हैं। और कई बार जो पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, अंध आस्थाएं हैं, उनसे दुखी होकर के जो युवा पीढ़ी है, वो दुनिया के हर देश में हो रहा है कि उनको इस धर्म शब्द से ही नफरत होने लगती है। जो बांटने का काम करता है उसी विचार से नफरत होती है, वे दूर भागने लगते हैं। और जब हम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, उन्हीं से शुरू कर देते हैं कि ये मंदिर है, चित्र दिखाते हैं, ये मंदिर है, ये मस्जिद है,
ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है, और वो जो बोलना शुरू कर देते हैं, वो बच्चा नहीं जानता था कि ये सब है। प्रकृति ने भी उसको भेजा था, वो वही सारे, वो रोता था, वो हंसता था, वो उसको भूख लगती थी, उसको प्यास लगती थी, ये सब मनुष्य प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य की प्रकृति है और किसी भी जीवधारी की प्रकृति है, वो सबकी समान थी। वो चाहे बच्चा किसी भी मजहब का हो, संप्रदाय का हो, वो एक ही तरह का हाव भाव रखता था, मगर हमने उसको धर्म के नाम पर पृथक कर दिया। धर्म नहीं है ये सब संप्रदाय, धर्म बहुत ही उच्च होता है, वो सबका एक होता है, वो पृथक हो ही नहीं सकता है। इसलिए युवा पीढ़ी में जब मोह भंग होने लगा है, धर्म के प्रति उसका मन उदास होने लगा है, तो दुनिया के सारे जितने संप्रदाय और मजहब है, सब जगह ये देखने को मिलता है कि वो नास्तिक हो जाता है। भारत में चार्वाक ऋषि बहुत पहले हुए थे जो नास्तिक मत का प्रतिपादन करते थे। उन्होंने खंडन किया था कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, तो ये पुरानी परंपराओं में से एक है नास्तिक होना। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने में वैज्ञानिक सोच बढ़ी है, और बौद्धिक आश्रम का तो विज्ञान में धर्म ही मुख्य मंत्र है, विज्ञान में धर्म ही स्लोगन है कि धर्म वही जो विज्ञान सम्मत हो, जो विज्ञान विरोधी हो वो धर्म कैसे हो सकता है। विज्ञान के अनुसार आग का अपना धर्म है, पानी का अपना धर्म है, तो वो जो विज्ञान के अनुसार उसका धर्म होगा वही रहेगा। सोडियम का जो धर्म होगा वो सोडियम रहेगा, पोटेशियम का धर्म होगा पोटेशियम रहेगा। लेकिन आस्था बस जिनको हम धर्म कह देते हैं, उसकी बस कोई कहने लगे कि नहीं ये पानी का धर्म ये नहीं है, मैं नदी ऐसे कूद जाऊंगा और मैं डूबूंगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ तकनीकें इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं, वो वैज्ञानिक ही होंगी। तो जो विज्ञान सम्मत विश्व में है उसको मानने में नई पीढ़ी को भी कोई गुरेज नहीं। अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मजहब में जो भी विज्ञान सम्मत है उसको वो मानने को तैयार है, लेकिन जो विज्ञान विरोधी है तब उसका मोह भंग होता है, वो डरता भी है कि ये तो कुछ है नहीं। अब कभी ये भी धर्म था जिनको इन किताबों में कहा गया कि पृथ्वी के आसपास सूरज चक्कर लगाता है, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ये बाद में विज्ञान ने बताया, मगर जिस वैज्ञानिक ने बात कह दी उसको इन धार्मिक संस्थाओं ने सजा दी थी। तमाम वैज्ञानिक जो मान्यताएं सिद्ध हुई वो पुराने ग्रंथों में उल्टा पाई जाती है, लेकिन धर्म को उस हद तक, ये जो मैं बार बार कहता हूं धर्म, क्योंकि सब दुनिया उसको धर्म कह देती है, ये सब संप्रदाय, इनको समझना पड़ेगा। युवा पीढ़ी को बार बार आप समझाएंगे अपनी आस्थाओं के चक्कर में, बहुत ही लोग कहते हैं कि आस्था में तर्क नहीं होता, सुनता हूं कि आस्था में तर्क नहीं होता। आस्था में तर्क ना हो तो भारत की परंपरा को फिर से समझिए। भारत अध्यात्म के क्षेत्र में तर्क को पसंद करता है, उसका जो तर्क है शास्त्रार्थ शब्द से चलता है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं मिलती है, भारत में ही मिलती है। भारत में विभिन्न विद्वान जो आध्यात्मिक विद्वान थे, दार्शनिक विद्वान थे, जब अलग अलग मत के होते थे तो आपस में शास्त्रार्थ करते थे, उन्हीं धर्म शास्त्रों के आधार पर शास्त्रार्थ करते थे अपने अपने जो विद्वान थे उनके, चाहे बौद्ध धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हों, वैदिक धर्म के मानने वाले हों, या आपस में शास्त्रार्थ करते थे। आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ भारत में मशहूर है, ऐसे अनेक शास्त्रार्थ होते हैं, मगर आज दुर्भाग्य हो गया है कि कोई कह देता है कि नहीं ये सही सही है,
तो दूसरों को ये मानना पड़ता है कि नहीं वही सही है, चाहे वो इस्लाम वाला वो ऐसे कहता है, भारतीय जो वैदिक धर्म वाले वो भी किसी बात को अगर कहेंगे कि ये सही है तो सबसे कहते हैं कि यही कहो कि यही सही है। यही दुनिया के सारे संप्रदायों में है। इससे मोह भंग होने की स्थिति में फिर युवा वर्ग नास्तिक होता चला जा रहा है। दुनिया के हर देश में वो यही कहने लगता है कि अब मुझे ये कोई भी धर्म नहीं चाहिए, मुझे कोई ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे कोई आस्था नहीं चाहिए। जबकि आस्था की भी आवश्यकता है, मगर आस्था जो शाश्वत ऊर्जा है, जो अनंत ऊर्जा है, ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त है, दो ही सत्य हैं, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिश्रण से सारे ब्रह्मांड की प्रकृति चलती है। और आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सिद्ध किया था, E एनर्जी के लिए, M मास है जो हमारा वेट के बाद ही जो मास होता है वो है, और सी लाइट का स्पीड है, और सी स्क्वायर यानी कि जो मास और एनर्जी आपस में कन्वर्टिबल है। तो पदार्थ और ऊर्जा सत्य हैं, हमारी मृत्यु होती है हम ऊर्जा में बदल जाते हैं, ऊर्जा आपस में संगठित होकर के आती हैं और पदार्थ के साथ मिलकर के जीवधारी का निर्माण करती है। इतने से सत्य को लेकर के पूरा विश्व बार बार चिंतन करे तथा कथित संप्रदायों और मजहबों के आधार पर दूरियां न बनाए। सबका शरीर का तापमान एक होता है, सबका ब्लड प्रेशर एक होता है, वो हिंदू का ब्लड प्रेशर, सिख का ब्लड प्रेशर, मुसलमान का ब्लड प्रेशर, सबका एक होता है। तो विज्ञान में धर्म की तरफ बहुत ही आवश्यक है कि हम धर्म के गलत व्याख्या के क्षेत्र में न जाएं, धर्म को सही शब्द समझ करके अपनाएं, और वो सारे मनुष्यों का एक है, और संप्रदाय पृथक पृथक है, मजहब पृथक पृथक है, पंथ पृथक पृथक है, सेक्ट पृथक पृथक है। पुनः सभी को नए वर्ष की शुभकामना, और स्वस्थ रहें, और मन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के साथ पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामना।